अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई, अभी हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 53। ऑनलाइन वाला परेशान नहीं हो ना, ये सारी वही चीज़ें हैं, ये नया लेक्चर अभी शुरू होने लगा है। 53 ये ले, ठीक है जी। अच्छा भाई, अभी क्या उसका नाम है, हमने तीन टाइप्स डिस्कस कर ली हैं, ऐसे ही है। अब टाइप फोर पे आए, टाइप फोर में क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, कहता व्हाट वुड बी द एडजस्टमेंट इन कैश टू वर्क आउट द करेक्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक। इसमें पता क्या पूछना चाह रहे, कहता ये बता दें, ये कैश बुक है ना, ये कैश बुक है, कहता ये बता दें कुछ एरर्स उसने दिए होंगे, कहेगा बता दें जी कितनी अमाउंट की एडजस्टमेंट डेबिट साइड पे आनी चाहिए थी, कितनी अमाउंट की एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड पे। यानी इसका मतलब ये है, एक बैंक चार्जेस हैं 50 रुपए के, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है 500 रुपए की, इसकी वजह से ये रिकॉर्ड नहीं की, सही है भाई, या गलत रिकॉर्ड कर दी, कुछ भी हो सकता है, जिसका इफेक्ट ये है कि बैंक चार्जेस 50 के, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट 500 रुपीज की है, सही है जी। आप मुझे बता दें, अगर ये कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड की या गलत रिकॉर्ड कर दी है, तो कितनी अमाउंट का अफेक्ट किस साइड पे आएगा, कितनी अमाउंट की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। 500 की ना, क्या कहते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है, सही है, 50 रुपए के बैंक चार्जेस हैं, एडजस्टमेंट किधर करनी है, क्रेडिट साइड पे, यानी एडजस्टमेंट हमने करनी पड़ेगी ₹550 की, सही है, बैलेंस कम हो जाएगा 550 की एडजस्टमेंट करने के बाद। सवाल ये होगा, एडजस्टमेंट बता दें कितनी अमाउंट की करनी पड़ेगी, भाई क्रेडिट साइड पे 550 रुपए की एडजस्टमेंट वो नहीं आ रहे, वो जो अरहम है, एहसन है, नहीं आ रहे ना, गाजी की तरह, इसका मैं इलाज करूंगा कल। अच्छा जी, फिर उसके बाद भाई इंटरेस्ट इनकम थी 200 रुपीज की, सही है जी, और स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट है 500 रुपए की, बताएं ये रिकॉर्ड नहीं की, बताएं एडजस्टमेंट कितने की आएगी, ₹200 की मेरे भाई और डेबिट साइड पे और 500 की क्रेडिट साइड पे, हाँ डेनिश, और ₹500 की क्रेडिट साइड पे, सही है भाई। चले देखते हैं आप क्वेश्चन किस तरह आ सकता है भाई, देखें जी क्वेश्चन टाइप फोर, टाइप पेज नंबर, अच्छा जी, कहता है टाइप फोर, हाँ जी, कहता है एक कस्टमर पेड ₹80,000 बट द कैशियर एंटर्ड ₹88,000 इन द, भाई कस्टमर था, उसने कितनी अमाउंट दी, 80,000, कितनी भाई, ये मैं रेस कर रहा हूं, जी मेरे अजीज हमवतनों, जी ये है जी कैश बुक, ये है डेबिट साइड, ये क्या है, कस्टमर ने कितने की पेमेंट की, आपने कितने रिकॉर्ड कर ली, आपने कितनी रिकॉर्ड की भाईजान, कुछ नया नहीं पड़ा, ये सुन ले, आप गए थे सुन ले, टाइप फोर ये है कि कैश बुक है, ये क्या है, कैश बुक, कैश बुक में एडजस्टमेंट कितनी अमाउंट की आनी चाहिए, एडजस्टमेंट का मतलब है बैंक चार्जेस थे वो रिकॉर्ड ही नहीं किए, सही है, बैंक चार्जेस 50 रुपए के रिकॉर्ड नहीं किए, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट थी 500 रुपए की वो भी रिकॉर्ड नहीं की, बताएं कितने की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, 550 की किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। फिर दूसरी एग्जाम्पल मैंने इनको ये दी है, इंटरेस्ट इनकम थी 200 रुपीज की, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट थी 500 रुपए की, बताएं एडजस्टमेंट कितने की करनी पड़ेगी, ये चीजें रिकॉर्ड नहीं की, 200 रुपीज की डेबिट साइड पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और 500 रुपीज की, सही है,
और अगर नेट करनी पड़े, और नेट अमाउंट से फैक्ट कितना आएगा? अच्छा जी, आप भाई ये एडजस्टेड कैश, ये कैश बुक है, कहता है कस्टमर ने पेमेंट कितने की 80,000 की, आपने कितने से रिकॉर्ड की 80? ये रिसीट होगी कोई भी, चलें डेटर लिख लेंगे, डेटर भाई आपने कितने से ज्यादा रिकॉर्ड की है? देखिए मैंने इसका तरीका आपको बताया था, ये क्या है 88,000, इसमें सही कितना है, इसमें गलत कितना है, इसका मसला है ना, ये तो सही है ना, तो कितने की एडजस्टमेंट करूं, क्या करूं, इधर माइनस कर दूं? हाँ, इधर माइनस नहीं कर सकता, डेबिट का उल्टा, ये एडजस्टमेंट 8,000 की करनी पड़ेगी। लिख लें कुछ भी लिख लें यार, इधर ये ले, ठीक है भाई, तो सही वाला बैलेंस कितना आ जाएगा, देखा आ गया ना 80,000, सही है, ठीक है भाई, ये एडजस्टेड बैलेंस है। ये क्या है भाई, बात समझ आ गई, आसान बात है ये, ये टाइप इस तरह भी पूछा जा सकता है, इस तरह भी बात को पूछा जा सकता है। अच्छा जी, अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक बात तो बताएं जरा, बातों बातों से याद आ गई, क्या? हाँ जी, गालिब की बात करते हैं, मुशायरा नहीं हो रहा इधर। अच्छा इधर देखो भाई, इधर देखो, इंटरेस्ट इनकम थी किस साइड पे आनी चाहिए? डेबिट साइड पे आनी चाहिए, इधर आनी चाहिए ना, मिसाल के तौर पे 5,000 की इधर इधर रिकॉर्ड करनी है ना, डेबिट साइड पे। जो अकाउंटेंट भाई हैं उन्होंने 5,000 इधर रिकॉर्ड कर दिया, बताएं क्या करना पड़ेगा? वो कल वाली एग्जांपल, दूध लेने भेजा था, दही ले आए, दही लेने भेजा था, दूध ले आए, दो काम करने पड़े, एक दफा दूध वापस करके आए और दही लेके आए, एक काम करेंगे तो फिर गालियां दोबारा पड़नी है, फिर इसे तफजाई होनी है, इसलिए दो काम करने पड़ेंगे। अगर एक काम किया तो भाई ये तो कैंसिल हो गए ना आपस में, कोई वजन नहीं आएगा, इधर भी 5,000 इधर कोई वजन नहीं आएगा, हालांकि इधर कुछ आना चाहिए था 5,000, एक दफा दोबारा रिकॉर्ड कर दें या इकट्ठा 10,000 रिकॉर्ड करें, सही है, ये भी पूछा जा सकता है, वो सही है। फिर उसके बाद एक अमाउंट थी, एक अमाउंट ऐसी थी जो 91 रुपीज की पेमेंट करनी थी, आपने कर दी 19 की, क्या 19 की पेमेंट कर दी, कोई समझ नहीं है पेमेंट है जी, बोले शाबाश, कितने की करनी चाहिए थी, 91 की करनी थी, आपने कितनी की, तो कितने की मजीद करनी, 19 की तो ठीक है, इसमें से 72 की करनी पड़ेगी, क्या करूं अब, ये इधर कितना आना चाहिए था 91, ये आना चाहिए था, आया कितना, तो कितने से ये साइड कम है, सही है, तो एडजस्टमेंट कितने की लफ्ज एडजस्टमेंट की समझ आई आपको, लफ्ज एडजस्टमेंट की समझ आई आपको। अगली बात, टाइप फाइव में, अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया ये वाली, टाइप फाइव में क्या होगा मेरे अजीज दोस्तों, कहता फाइंड आउट द अमाउंट टू बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कहता ऑलवेज रिमेंबर अमाउंट एज पर एडजस्टेड कैश बुक शैल बी रिपोर्टेड इन टू द, ये क्या बात कर रहे भला, कहता है आपको दो तीन किस्म की अमाउंट्स दी जा सकती हैं, सही है, कोई डाटा दिया जा सकता है, और आपसे ये कहा जा सकता है बताएं व्हाट अमाउंट शुड बी रिपोर्टेड इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, तो कहता है बता दें आपने कौन सी वाली अमाउंट बैलेंस शीट में लिखनी है, आपके पास बैलेंस, सवाल सुनिएगा, आपके पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट भी है, आपके पास कैश बुक का बैलेंस भी है, लेकिन कैश बुक का बैलेंस जो है उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो भाई
बताएं कौन से वाली अमाउंट जो है वो बैलेंस शीट के अंदर जा रही होगी फाइनेंशियल पोजीशन में। आपको एडजस्टेड अगर कैश बुक का बैलेंस भी दिया, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को इग्नोर कर दें इधर, ठीक है, कैश बुक का बैलेंस रेलिवेंट है, इसको इस्तेमाल करते हुए अगर कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी वो करें, तो बैलेंस क्या आ जाएगा एज पर, ये किधर जाएगा। और अगर बनी बनाई खीर खुद दे दे, तीन तरह के बैलेंसेस लिखे हो, आपको सिलेक्ट करना पड़े, तो कौन सा करेंगे? ये बात याद रहेगी, ये बात याद रहेगी, देख ले होगी याद रहेगी आपको भी, आपको भी देख लो भाई, अहम बात है। जो नहीं आए यार उनको कॉल करनी है आपने क्लास के बाद, ठीक है, उनको कॉल करें उन्हें और उन्हें बताएं, ऐसे ऐसे बताएं यार आज जो था ना बहुत नुकसान हो गया आपका, और ना और जान के थोड़ा इमोशनल हो जाएं, ठीक है, और थोड़ा सा कहेंगे यार आज यार इतना नुकसान हुआ कि यार मैं नहीं बता सकता आपको कि यार मुझे इतनी फिक्र हुई तुम्हारी, इतनी फिक्र हुई कि यार तुम्हारा कितना नुकसान हो गया। तुम समझा देना, तुम कहना यार मैं तो समझा दूंगा लेकिन ना मैं अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता कितना नुकसान है। इतना आपने कहना इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना 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 ज्यादा है इंपॉर्टेंट ये नहीं, वो तुम्हारा मसला मेरा नहीं है, मेरा मसला नहीं है। हाँ तो भाई उन रियलाइज करवाएं कि छुट्टियों का नुकसान होता है, क्या होता है, आपने एक बात और कर देनी है उन्हें, आपने कहना देखो यार तुम छुट्टियां तो तुमने की हैं, अगर इसमें से कोई 5-7 एमसीक्यूज आ गए तो फिर क्या बनेगा, और अल्लाह ना करे क्या कहते हैं 48 पे अगर अल्लाह ना करे पेपर रह गया तो फिर पछतावा होगा। हाँ जी फिर आप कहेंगे कि काश लेक्चर ले लिया होता, छुट्टी ना की होती। भाईजान ये आपने बताना है उन्हें आज कॉल करके, ठीक है, कॉल करें उनको। ओहो हो नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, चले जी देखते हैं जी किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइप 5 किधर गई। अच्छा भाई देखें, इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ईजी एज एट 30th June, ईयर एंड क्या भाई 30th June 2016। अच्छा जी कहता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये क्या है, ये ओवरड्राफ्ट क्या है, हाँ 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 ये लाइबिलिटी है, ये बिजनेस की लाइबिलिटी है, ये बिजनेस की ओवरड्राफ्ट, ये नेगेटिव बैलेंस है कि पॉजिटिव, ये सुनना ये बैंक स्टेटमेंट में किस साइड पे आ रहा होगा, ये डेबिट साइड पे आएगा, और कैश बुक में किस साइड पे आएगा, ठीक है ना। अच्छा जी कहता है एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट ऑफ रुपीज 354000 वॉज अपेयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट, में क्या नजर आया आपको अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट का मतलब क्या है, अनआइडेंटिफाइड यानी ये वाली चीज, इसका मतलब ये है, इट आगे पढ़े, इट वॉज फाउंड दैट अ कस्टमर हैज मेड ऑनलाइन ट्रांसफर बाय रुपीज 30th June 2016। इसका मतलब है बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे एक चीज आ रही है, सही है, लेकिन ये कैसे पता चला मुझे कि ये पता है ना, वॉज अपेयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट, वॉज अपेयरिंग इन द, ये अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट है, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हो रहा है, लेकिन अगर आइडेंटिफाई हो जाता तो भाई जान अगर हमें पता चल जाता तो कैश बुक में भी हम लिखते ना, हमने जब वो रिकनसाइल टिक नहीं लगाए थे वो दूसरी क्लास में लेक्चर 2 में BRS के, सही है 48 नंबर लेक्चर था, 49 था या 8 था वो, उसमें हमने टिक लगाए थे, तो ये जब देखा ना तो ये टिक लगा ही नहीं, हमें पता चल गया कि अगर टिक तब लगते हैं जब बैंक स्टेटमेंट में भी चीज आ रही हो, कैश बुक में भी आ रही हो। ये जब आया ना भाई बैंक स्टेटमेंट में था, कैश बुक में, मुझे कैसे पता चला कि ये बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है,
खुद लिखा हुआ है उसने, खुद लिखा हुआ है। ऑनलाइन ट्रांसफर उसने कर दिया होगा, बैंक स्टेटमेंट में तो आ गया, लेकिन हमारे पास तो अभी देखते हैं इसमें उसने ये टाइप फाइव कौन से, इसमें क्या हमसे रिक्वायर करेगा, बैलेंस है एज पर एडजस्ट, बैलेंस है एज पर एडजस्टेड कैश बुक, ये जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कहता है फॉलोइंग डेबिट क्रेडिट एडवाइस डेटेड 30th June 2016 वर रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक ऑन 5th July 2016। इसको छोड़े अभी, बाद में समझाऊंगा। कहता है बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू ₹7850, इट हैज बीन नोटेड दैट बैंक हैड ओवरचार्ज्ड ईजी बाय ₹125। क्या किया हुआ है बैंक ने, बैंक ने क्या किया हुआ है, ओवरचार्ज। अच्छा, आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक किधर जाना है, बैलेंस शीट में, SOFP में। और एडजस्टेड कैश बुक को निकालने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। या तो हमारे पास अनएडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस हो तब भी निकल सकता, और दूसरा अगर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट हो तब भी निकल सकता। अभी अभी मुझे क्या नजर आ रहा है, मेरे हमारे पास क्या है, हमारे पास ना ना हमारे पास अनएडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस नजर आ रहा है कहीं आपको, नजर आ रहा है कहीं आपको, तो क्या क्या नजर क्या आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपको नजर आ रहा। अच्छा जी भाई, डिविडेंड अगर अब आप जरा थोड़ा सा जरा क्वेश्चन को एक दफा खुद देखें तो सही, जरा इस क्वेश्चन को आप देखें, इसको किस वाले टाइप वन का वन था उस तरह सॉल्व करना पड़ेगा, या टाइप वन का जो टू था, टू पार्ट था, वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। जरा सोचिए तो सही, थोड़ा सा दो तरह से कर सकते हैं। किसका ख्याल है कि अनएडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस पता चल जाए तो लेजर बना के सॉल्व कर लेंगे इसे, देखें आपको नजर आ रहा है कहीं वैसे अनएडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस कहीं भी, तो वो वाला तरीका तो हमारा फेल हो गया। तो फिर बचा क्या, ढूंढने को जब मैं निकला अकाउंटिंग का पता तो क्यों नहीं चला भाई, हमारे पास एक ही तरीका, ठीक है ना, एक ही तरीका बचता है। नाम क्या आपका, हसन भाई, एक ही तरीका बचता है एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस को निकालने का, वो वाला तरीका बता दें मुझे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट में ये वाली चीजें अगर क्वेश्चन में हुई तो इधर इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये आ जाएगा। ये वाला तरीका फेल है, ये वाला तरीका लग ही नहीं सकता, ये अनएडजस्टेड से एडजस्टेड में आने वाला क्यों नहीं लग सकता, मुझे ढूंढ के दिखा दें पूरे क्वेश्चन में, नहीं है ना। अच्छा बच्चे ना परेशान हो जाते हैं, सर जी इतनी ज्यादा चीजें उसने दी हुई हैं जो कैश बुक से रेलिवेंट हैं, तो ये सारी चीजें इररेलीवेंट हो जाएंगी हमारे लिए। भाई आपको हजार चीजें भी दे देना इस फॉर्मेट में अगर वो अप्लाई नहीं होती तो नहीं करनी, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है उसने, सही है ना। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने कॉन्सेप्ट्स को पक्का रखना है। बाय डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, अच्छा मुझे बताएं ये बैंक का मसला है कि कैश बुक का, जवाब अभी नहीं, पहले पढ़ ले, बैंक चार्जेस 7850, इट हैज बीन नोटेड दैट बैंक हैड ओवरचार्ज ईजी 1250। बता दें भाई किसका मसला है, बैंक का मसला इधर आएगा कि नहीं आएगा, बैंक के मसले इधर आने हैं, बैंक के घर के मसले, बाकी मसले इधर नहीं आने, बैंक के मसले इधर आने हैं, कैश बुक के मसले इधर नहीं आने, ये बैंक का मसला है। अच्छा आप हिला रही, मैं कहता नहीं जल्जला आ रहा है। अच्छा अच्छा ये देखें भाई, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक अमाउंटिंग टू रुपीज कितना, भाई मुझे बता दें डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक अमाउंटिंग टू रुपीज इतना 50,000। भाई मुझे बताएं ये ऊपर जो चीजें दी हुई है ना, इनका मतलब ये है, ये वाली जो लाइन लिखी है फलां फलां चीजों में मसला है, सादा अल्फाज में मुझे बताएं, डिविडेंड कलेक्ट कर लिया बैंक ने अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000, ये तो बैंक स्टेटमेंट में आ रहा होगा, इसका मतलब ये है ये कैश बुक में मसला है ना, फिर कैश बुक में रिकॉर्डिंग में मसला होगा, तो ये इधर आएगा इस फॉर्मेट में, बता भाई बता, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। फुरकान, पेमेंट्स ऑन ईजी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ये वो खड़े होकर इंस्ट्रक्शन जो दी थी हमने, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट,
ऑफ एन एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर अ मैगजीन अमाउंटिंग टू रुपीज 12,000। भाई बताओ ये क्या है भाई? स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट जो है, कहीं लिखा नजर आ रहा है आपको बैंक ने मसला कर दिया? कहीं लिखा नजर आ रहा है आपको बैंक ने मसला कर दिया? भाई एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट होती है, ये आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी होती है, बैंक ने उसी टाइम कर देना है, बैंक स्टेटमेंट में आ रही होती है, बैंक चार्जेस बैंक स्टेटमेंट में आ रहे होते हैं, भाई बैंक ने तो उसी टाइम इनकॉर्पोरेट कर देने हैं ना, जैसे ही आपको बैंक स्टेटमेंट देनी। इंटरेस्ट इनकम बैंक नहीं भूलता ये वाले काम करना। हाँ, जब तक वो क्वेश्चन में खुद इंडिकेट ना कर दे कि बैंक ने ये वाली बैंक ने ये वाला काम नहीं किया, अगर उसने ये नहीं कहा ना, तो हमने एज्यूम नहीं करना कि बैंक ने गलती की है। बैंक नॉर्मली इस तरह की गलतियां बोंगियां नहीं मारता, सही है? बैंक चार्ज में हाँ हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, सही है? और ये बात समझ आ रही है कि नहीं? स्टैंडिंग ऑर्डर पे आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी है, बैंक का काम ही ये है, बैंक ने फौरन रिकॉर्ड कर लेना बैंक स्टेटमेंट में, पेमेंट कर देनी है, हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, सही है? ये बात याद रहेगी। अच्छा जी, उसके बाद भाई जब तक ना खुद ना कह दे हमने पंगे नहीं लेने बैंक के साथ, कहता है एज्यूमिंग डेट कैश बुक बैलेंस हैज बीन करेक्टेड एंड एडजस्टेड, व्हाट अमाउंट ऑफ बैलेंस बैंक बैलेंस शैल बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये वाली लाइन पढ़ के आप इस वाली लाइन को देख के ना नोट्सों पे लिखे, बहुत शुक्रिया आपका बताने का, वो आप ना भी बताते तो हमें पता था। ये इस फॉर्मेट से जो बैलेंस निकलना है वो एडजस्टेड ही निकलना है। लिखो अंकल, लिखना, लिखो को अंकल, हमें पहले ही पता है, लिखो इधर, लिखो को अंकल, अंकल ये वाली जो एडजस्टमेंट्स दी हैं, लिखो लिखो अंकल, इधर जो एडजस्टमेंट्स लिखी हैं, लिखे अंकल, अंकल जो कैश बुक से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स इस क्वेश्चन में दी हैं, हमने उनका अचार डालना है। लिखो 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 अंकल, ये बैंक कैश बुक से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स दी हैं, हमने उनका अचार, जबीउल्ला पेंसिल नहीं है, इधर आ, सुबह से बैठा है, नहीं सुबह से बैठा है, पेंसिल ही नहीं तूने निकाल दी, पेंसिल ही नहीं निकाल रहा है, पेंसिल ही नहीं निकाल रहा, क्यों, वजह, इसका मतलब तूने सुबह से कुछ भी नहीं लिखा? नहीं लिखा, वो ये नहीं, रजिस्टर किधर है? जबीउल्ला, घर वालों ने भेजा कि बच्चा माशाल्लाह आला तालीम के लिए, किधर से आया? नहीं लाहौर तो आया, आया किधर से है? साहिवाल किस जगह से हो? ना कर यार, 86, चुप हो जा। अच्छा भाई, लिखे 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 अंकल, ये जो कैश बुक से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं, इनका हमने अचार डालना है। लिख रही है, कहो अचार, अलिफ चे 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 अलिफ रे अचार। अच्छा भाई, इसका अचार डालना है हमने, क्यों, कहो, हमारे पास दूसरे वाला फॉर्मेट है तो सही। लिखो 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 लिखो, या आपने भूल जाना है ना बाद में, लिखो इधर। फिर आपने कहना सर जी वो दूसरे वाले फॉर्मेट से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया, आपके पास बैलेंस एज पर अनएडजस्टेड कैश बुक है तो कैसे सॉल्व करोगे इस फॉर्मेट से? लिखो हमने इनका अचार डालना है, हमारे पास तो बैलेंस एज पर अनएडजस्टेड कैश बुक है ही नहीं। लिखो ये बात, लिख मेरे मुंह की तरफ ना देख, लिख 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 लिख, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या रद्दी उसने बेचने हैं साफ सुथरे? लिखो, क्या हमने इन एडजस्टमेंट्स का अचार डालना है, हमारे पास तो बैलेंस एज पर अनएडजस्टेड कैश बुक है ही नहीं। ये लिख लें, ये अहम बात है, ये बाद में आप लोगों ने भूल जानी है, अनएडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस है ही नहीं। जल्दी कर लो जल्दी बेटा, अनएडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस तो हमारे पास है ही नहीं। हम बैंक हम बीआरएस का फॉर्मेट बनाकर अच्छा सॉरी सॉरी, इससे पहले एक बात लिखो, लिखो हमारे पास
हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, लिख ले इधर देख, इधर लिख 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 जल्दी कर जल्दी। हमारे पास बैलेंस एस पर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, आगे लिखो सो एक दफा लिखो सो। हमारे पास बैंक स्टेटमेंट, देखो ना इस क्वेश्चन में बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, ये बात अहम है, आप इस बात को रिवाइज करेंगे ना इंशाल्लाह घर जाके जितने भी क्वेश्चन होंगे असाइनमेंट वाले सर वो आप सॉल्व इजीली कर लेंगे। बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर जी ये उस फॉर्मेट से क्यों नहीं हुआ, इससे क्यों नहीं हुआ, ये उसका जवाब लिखवा रहा हूं। हमारे पास जो एंडिंग पॉइंट बैलेंस है इस पर कैश बुक आएगा ना, हमारे पास एंडिंग पॉइंट पर जो बैलेंस आएगा वो ऑटोमेटिकली AUTOMATICALLY ऑटोमेटिकली एडजस्टेड कैश बुक। हमारे पास जो एंडिंग पर बैलेंस आएगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस होगा, ठीक है। इधर तक लिखो, लिख लिया इधर तक, नीचे फिर लिखो, नीचे लिखो इस बात को दीजो, नीचे लिखो एक लाइन छोड़ के लिखो भाई मेरे। अच्छा चलो लिखो, चलो कोई अंकल लिख लो भाई। जब हमारे पास एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ गया तो लिखो और ब्रैकेट में लिखो यही तो बैलेंस शीट में जाना है। एसओएफपी में लिखो, यही तो ब्रैकेट में लिखना है। सो हमें मजीद कुछ भी करने की जरूरत, सो हमें मजीद करने की जरूरत देखिए उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया ना, उसने कहा था बताएं जी एसओएफपी में कौन सी अमाउंट जानी है, वो हमारे पास एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस इधर से निकल आया ना भाई, मजीद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जी। दाइम बताओ मैंने क्या लिखवाया, सारी बातें बोलो, शाबाश। दोबारा अंकल जो कैश बुक से बोलो शाबाश। अंकल जो कैश बुक से रिलेटेड हमने एडजस्टमेंट की है उसका अचार डालना है, हमारे पास दूसरे वाला फॉर्मेट है तो सही, उससे ऑलरेडी एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस ऑटोमेटिकली एडजस्टेड कैश बुक। चुप भाई चुप हो जा, फुरकान तेरी आवाज ना है। ऑटोमेटिकली हाँ बोल एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आएगा जब अंकल जब हमारे पास एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ गया यही तो एसओएफपी में जाएगा। सो हाँ शाबाश, हमें मजीद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शाबाश भाई, अब देखें शाबाश भाई, देखें मजाक अपनी जगह, ये बात समझ आई है कि नहीं। इसमें दो ही कंफ्यूजन आती हैं बच्चों को कि सर जी किस वाले फॉर्मेट से क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस वाले से एडजस्टेड कैश बुक निकालनी, इस वाले से। भाई सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा डेटा किस तरह का हमारे पास है।
अगर अनएडजस्टेड बैलेंस हुआ तो एडजस्टमेंट करके एडजस्टेड आ जाएगा। अगर ये नहीं दिया, एडजस्टमेंट्स दी हैं, अनएडजस्टेड बैलेंस ही नहीं दिया तो ये कैसे आएगा? नहीं आ सकता। ये वाला फॉर्मेट फेल हो गया। पीछे बचा ये वाला फॉर्मेट, इसको सॉल्व करें और इस याद रखिएगा, ये अहम बात है, ये अहम बात है। अभी ये मजाक समझ रहे हैं जब लिखवाया है, घर जाके तसल्ली से पढ़िएगा। ये वाली इस वाले फॉर्मेट में कैश बुक के एडजस्टमेंट्स की, कैश बुक की एडजस्टमेंट्स नहीं आ रही होती तो ऑटोमेटिकली जो बैलेंस आएगा वो एडजस्टेड कैश बुक का आ जाएगा। एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत इसमें सिर्फ ये वाली एडजस्टमेंट्स आती है, ये वाली चीजें आती हैं। ये समझ आई बात? और यही एसओएफपी में जाना है, ठीक है, सही है भाई। और एक और टेक्निकलिटी है इसमें जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी अगर वो हमसे ये पूछता बिफोर एडजस्टमेंट बता दे बैलेंस कितना कैश, कैश बुक का बिफोर एडजस्टमेंट्स बैलेंस बता दें, तो भाई एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस या तो उसने खुद दिया होगा या हम इस वाले फॉर्मेट से निकाल लेंगे। टाइप नंबर 3 है शायद, देख लेना 2 या 3। ये वाला बैलेंस अगर तो बना बनाया खुद दे दिया उसने, वेल एंड गुड, ना तो हम इस वाले फॉर्मेट से निकाल लेंगे, इसको इधर लिखेंगे सीडी और जानिया आनिया, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अनएडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। एग्री? कुछ मुश्किल तो नहीं लग रही आपको? आखिरी टाइप आज की डिस्कस कर ले, मैं 2-4 मिनट में हो जाएगी ये। क्या जी? टाइम तो रोजाना ये होता है। ये बड़ी अहम बात है, बहुत अहम बात। ये वाली बात इतनी से आज ये बहुत अहम बात करने लगा हूं अभी, सुन ले। कहता टाइप 6 में कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड चेक्स। कहता इन दिस केस, सुन ले, कहता है आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताएं, इस वाले क्वेश्चन दिया जा सकता है कि बताएं अनप्रेजेंटेड चेक्स कितनी अमाउंट के हैं और अनक्रेडिटेड चेक्स कितनी अमाउंट के हैं, सही है। ये भी पूछा जा सकता है, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, ये वाली जो चीजें हैं, सही है। तो भाई फिर किस तरह निकाल लेंगे? ये चीज भी दी होगी, ये भी दी होगी, कुछ ना कुछ रिवर्स करके कुछ करना पड़ेगा फिर। अभी देख लेते हैं। कहता है अगर ये वाला केस आ गया, दिमाग खुल रहा है आपका? इन दिस केस बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एंड बैलेंस एज पर कैश बुक अलोंग विद सम एरर्स इज, इसका क्या मतलब है? कहता बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपको दिया होगा, कैश बुक का बैलेंस भी दिया होगा, सही है भाई, दोनों बैलेंस दिए होंगे, ठीक है ना। कहता है अगर उसने कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ अलोंग विद सम एरर्स, फिर इधर तो एडजस्टेड आता है, फिर उसे पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बात आप ना जहन नशीन कर लें, बैलेंस इधर इस फॉर्मेट में ना एडजस्टेड ही आना है, इधर अनएडजस्टेड की जगह नहीं है, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर कोई, ये ठीक है, एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा फिर। अच्छा जी, बीआरएस में कहता है टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन क्वेश्चन ड्रॉ फॉर्मेट ऑफ बीआरएस। ये देखें, इसके अलावा तो नहीं पता चलेगा ना, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। कहता है एंड देन इंसर्ट द अवेलेबल फिगर्स। कहता है उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, फॉर्मेट बन गया, चीजें पुट करते हैं जो जो उसने दी हुई है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, चीजें पुट कर लें। कहता है बैलेंसिंग वुड बी द अमाउंट ऑफ अनप्रेजेंटेड या फिर अनक्रेडिटेड। अब देख ले मेरे भाई टाइप 6 में किस तरह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आ जाए भाई, टाइप 6 किधर गई? पेज नंबर, सुने भाई, अब बात याद रखिएगा, बीआरएस का फॉर्मेट जहन में ले आए। कहता बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस है, क्या है बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या है बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या है भाई? अच्छा ये मुझे कोई बता सकता है, ये क्रेडिट का कैश बुक में क्रेडिट कैसे, पॉजिटिव से आएगा नेगेटिव से? शाबाश। कहता बैलेंस एज पर बैंक स्टेट, ये भी क्रेडिट है, ये याद, कल मैंने समझाया था कि बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट का मतलब पॉजिटिव बैलेंस, कैश बुक के क्रेडिट का मतलब अनप्रेजेंटेड चेक्स इसने खुद दिए हुए हैं 4250।
कहता ओनली रिकनसाइलिंग आइटम लेफ्ट इज सम चेक्स लेफ्ट बैंक्ड एंड नॉट येट क्रेडिट। कहता इसके अलावा ना सिर्फ एक चीज और है, उसने खुद बता दिया, वो अनक्रेडिटेड हैं। क्या हैं? अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। क्या हैं भाई? इसका मतलब है ये वाली चीज तो है ही नहीं क्वेश्चन में, ये वाली चीज तो क्वेश्चन में है ही नहीं। इधर क्या आ जाएगा? बैलेंस है इस पर भाई, हो सकता है उसने सिर्फ क्रेडिट अनप्रेजेंटेड क्रेडिट की बात पूछ, जो नहीं होगा। ये है पूरा फॉर्मेट, ये क्या है अब इसमें देख लेंगे क्या क्या चीज क्वेश्चन में गिवन है। हो सकता है अनक्रेडिटेड चेक ही ना हो क्वेश्चन में, हो सकता है अनप्रेजेंटेड ना हो। जी इधर क्या आ जाएगा? बैलेंस एज पर अब मुझे बता दो। अब मैंने अब क्या कहा था, पहले फॉर्मेट जहन में लेके आए, फिर जो जो चीजें उसने क्वेश्चन में दी होंगी उसे इंसर्ट कर दें किधर, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जवाब आ जाएगा। इंसर्ट कर दें किधर बताएं जी? अब आप फिगर्स बताते जाए जरा जी, फिगर्स बताएं शाबाश। अनप्रेजेंटेड जी, सबसे पहले मुझे अच्छा और एक बात और बता दें, एक बात और बता दें तसल्ली के लिए, ये वाला जो बैलेंस उसने कैश बुक का दिया, उसने नहीं लिखा ये एडजस्टेड है कि अनएडजस्टेड है। मुझे बताएं ये क्या है, ये क्या है फुरकान? कैसे पता चला ये एडजस्टेड है? हैं भाई देखें, एरर्स एरर्स ही नहीं है। अगर एरर्स दिए होते मेरे भाई तो ये अनएडजस्टेड होता। देयर आर नो एरर इन द क्वेश्चन, सो वी विल अज्यूम द बैलेंस गिवन इन द क्वेश्चन इज एडजस्टेड। भाई ये बात समझ आई है? अब मुझे बताएं एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस कितना है? ये बड़े ध्यान से देखना है, क्रेडिट है कि डेबिट है। जी बोलें शाबाश। 11,000 क्या है? ये नेगेटिव से आएगा, क्रेडिट है ना। और बताएं क्वेश्चन में क्या दिया है? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये एंडिंग पॉइंट होगा। बोलें शाबाश। ये क्रेडिट का मतलब ये पॉजिटिव है। देखें अगर बेसिक सीख है ना अगर किसी की, तो बीआरएस सबसे आसान टॉपिक है, यकीन करें। ये पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है लोगों को, ये सबसे ज्यादा आसान आपके सामने है। इसके अलावा इंशाल्लाह और क्या क्वेश्चन आना है, ये इसी तरह के क्वेश्चन है। अच्छा जी, और क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है? अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने हैं? 42,000। और मुझे बता दें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक है, एडजस्टेड कैश बुक, तो अनप्रेजेंटेड ऐड होते हैं, तो ये क्या होंगे फिर? अच्छा अब ये क्वेश्चन मार्क है, ये निकल सकता है? इस तरह तो नहीं निकल सकता, रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी। रिवर्स वर्किंग करें आप माशाल्लाह माहिर हो गए हैं रिवर्स वर्किंग के। जी करें, कैलकुलेटर पकड़ें, जो चीज माइनस से ऐड करते हैं, जो ऐड हो रही है उसे माइनस। एक होती है ये वाली वर्किंग, ये सीधी वर्किंग है, ये होती है रिवर्स वर्किंग। जी रिवर्स वर्किंग करवा दें जरा जी। 16,500 बोले जी, ये ऐड इधर ऐड हो रहा है तो रिवर्स में क्या होगा? और मेरे भाई ये क्या होगा? ये इधर हो रहा है, ये नेगेटिव का है, ये क्या है? ये क्या होगा? ऐड होगा। बोले शाबाश, जवाब बताएं क्या आ जाएगा? अनक्रेडिटेड चेक्स बता दें कितने हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स बता दें कितने हैं भाई? ये बात समझ आइए, ये बात समझ आइए। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो इस वाले फॉर्मेट से हो जाएगा, इस वाले फॉर्मेट से हो जाएगा भाई, हो जाएगा ठीक है। ये इसकी कैलकुलेशन किसी और तरह भी हो सकती है, इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं इसे। मैं इक्वेशन नहीं बनाता भाई, इक्वेशन में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना अच्छा मैथमेटिक्स होता तो आप प्री मेडिकल करके ना इधर वो आप फिर माशाल्लाह किसी और फील्ड में होते हैं। मुझे पता इतना मैथ अच्छा नहीं। हाँ इक्वेशन से हो सकता है ये कर, लेकिन देखें यार एक आसान सा आपको तरीका जब बता दिया कि रिवर्स वर्किंग कैसे होती है, अब आप माशाल्लाह माहिर हो गए हैं सही है। तो रिवर्स वर्किंग ना करनी पड़नी। आगे FAR 1 में टॉपिक आता है डेप्रीसिएशन का, IS 16 प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट सही है, थोड़ा सा तो उसमें भी फिर करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद कॉस्टिंग में जाके तो बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी, तो आदत बना लें भाई रिवर्स वर्किंग। देखें ये बैलेंसिंग फिगर है,
जी ये आ जाएगी, आप रिवर्स वर्किंग करके देख लें, बताएंगे 15,000 जवाब आ जाएगा। हाँ अनप्रेजेंटेड के बारे में भी पूछा जा सकता है, फिर अनक्रेडिटेड दिए होंगे या अनक्रेडिटेड जीरो होंगे, भाई इस तरह के क्वेश्चन कर लिया करेंगे कर लेंगे। अब आपने घर से क्या करके आना है, ले लें उनसे फोटोकॉपियर से जाके ले लें, भाई ये देखें ये सारे ये इसी तरह के क्वेश्चन है, एक एक नजर मार लें। कहता है किस तरह के क्वेश्चन है, जरा कॉन्फिडेंस के लिए। कहता है व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। भाई सुने ये देखें ना, ये उसने कैश बुक का बैलेंस आपसे पूछा हुआ है, ये वाला ये फॉर्म ये इस तरह हो जाएगा ये। अगली रिक्वायरमेंट देख लें, कहता डेबिट बैलेंस ऑफ 5,000 एज पर बैंक स्टेटमेंट का मतलब बता दें, ये आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता व्हाट इज द करेक्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे खुद ही पता चल रहा होगा क्या पूछ रहे हैं वो। ये इसी तरह के सारे क्वेश्चन हैं, सारे इसी तरह के हैं, कर लेंगे भाई। तीन चार मुश्किल है वो मुझे पता है, वो एंड पे हैं दो चार, जरा एंड वाले नहीं दरमियान में जाके कहीं। अब आपने ये करके आने हैं, कर लेंगे। और दूसरा काम भाई, दूसरा काम क्या करना है, ये जो एग्जाम टिप्स दी हुई हैं ये नोट्स आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ के आने हैं। मैंने ना असल में ना कोई टर्मिनोलॉजीज हैं, टाइम बार्ड चेक, टाइम बार्ड, इस तरह की कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ये आप नोट से एक दफा पढ़ाइएगा, हम इंशाल्लाह मंडे वाले दिन टाइम बार्ड चेक, पे ऑर्डर, इस तरह की कुछ चीजें छोटी छोटी सी हैं, ये हम इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब ये आपका क्या होमवर्क है बता दें जरा, एक तो MCQs करके आने, ये वाले क्वेश्चंस करके आने हैं आपने, और दूसरा काम एग्जाम टिप्स नहीं नोट्स पढ़ के आने हैं, एग्जाम टिप्स नोट्स आपने सारे पढ़ के आने हैं, 12-13 पेजेस के हैं, उसमें से इतनी एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल मैंने खुद करवाई है आपको। आप करके आएंगे घर से, सही है, ये वाले क्वेश्चन जो है जो आपके MCQs वाले हैं, और ये फिर इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नोट्स पढ़ के आने हैं लाजमी, उससे पढ़े बगैर ना कॉन्सेप्ट शायद अभी कुछ ऐसे हों जो मजीद अच्छे हो जाएं पढ़ने के बाद, कर लेंगे भाई। फिर मैं भी पढ़वाऊंगा मंडे वाले दिन, लेकिन आप पढ़ के आएंगे तो फिर ठीक है जी, देख लें करके आएंगे, अगर नहीं तो मैं अभी पढ़वा देता हूँ। मेरी अभी क्लास है आगे, वो मैं 15 मिनट डिले कर देता हूँ, कहते हैं तो उनको भी इधर बुला लेते हैं, पढ़ाएंगे, चलें ठीक है जी, चलें ठीक है भाई, चलें अब इंशाल्लाह मिलेंगे मंडे वाले दिन, अल्लाह हाफिज़।